पॉलिसी की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, बहुत अच्छा इतिहास का उदाहरण दिया कि पारसी गुजरात के किनारे आए, एक दूध का ग्लास भेजा राजा ने, उन्होंने अंदर शक्कर डाली और उन्होंने कहा कि हम घुल मिलकर रह जाइए, ये हमारी परंपरा है, पारसी को स्वीकार लिया। मनीष जी भूल गए, पारसी भी धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर आए थे, वैसे नहीं आए थे। जब उनको ईरान से भगाया गया, उनका धर्म पारसी धर्म अस्तित्व में खतरे में आया, तब भारत ने शरण दी थी। और आज भी जो जिनको धर्म खतरे में आया, जिनको अपने परिवारों का प्रोटेक्शन करना था, वो आए, उन्हीं को हम शरण दे रहे हैं। मनीष जी, आपने जो उदाहरण दिया वो आपके ही दलील के खिलाफ है। उन्होंने किया कहा भाई, मैं उदाहरण की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक बड़े शान से एक शेर पढ़ा कि लम्हों ने खता की थी और सदियों ने सजा पाई थी। मैं यही कह रहा हूं, लम्हों ने सजा की थी, लम्हों ने गलती की थी, खता की थी और सदियों ने सजा पाई है। मगर अब ये नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है, लम्हों की खता अब नहीं होगी, ना सदियों तक सजा प्राप्त करने का मौका आएगा। मान्यवर, एक खता हम नहीं करने वाले, ये खता हम नहीं करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने परिवार की बहन बेटियों को, बहुओं को बचाने के लिए यहां आना पड़े और हम न ले, उसका धर्म बचाने के लिए यहां आना पड़े और हम न ले, हम उसको नागरिकता दे, ये गलती हम नहीं कर सकते। मान्यवर, हम जरूर उनको स्वीकारेंगे, संवैधानिक सम्मान भी देंगे और पूरे विश्व के सामने सम्मान के साथ खड़े करेंगे। उन्होंने कहा कि टू नेशन थ्योरी